हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो छोटा है बट फुल ऑन इन्फॉर्मेशन के साथ पैक्ड है। ओके, तो बिल्कुल आज का वीडियो मिस मत करना और कुर्सी की पेटी बांध लो और हमें लास्ट तक वीडियो के जाना है, वहां जाके तुम पेटी खोल सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग ये चार्ट देखेंगे जिसका नाम है क्रिप्टो एंड फियर ग्रीड इंडेक्स। ओके, तो अगर तुम देखोगे तो हम लोग जो है वो फियर जोन के बाहर है, जिसका मतलब है अब हमें बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को जितना डीसीए करना था, हम लोगों को जितनी बाइंग करनी थी, वो हम लोग कर चुके हैं। अब टाइम आ गया है प्रॉफिट्स लेने का। ओके, और ये मैं अभी से नहीं, काफी टाइम से बोलता आ रहा हूँ, लेकिन ये एक सिंपल चार्ट है जो तुम बिल्कुल यहाँ आके मीटर देख सकते हो। तुम्हें कोई टेक्निकल एनालिसिस कुछ करने की जरूरत नहीं है और ये तुमको एकदम सही डायरेक्ट करता है। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, हमने ये तो देख लिया, बट अगेन बहुत सिंपल सा फंडा। अगर ये 40 के नीचे है बाय करते रहो, उसके ऊपर है भैया टाइम आ गया है रुकने का, ग्रीड में जाता है, टाइम आ जाता है बेचने का। ओके, तुम यहाँ देख सकते हो हम लोग इतनी देर, ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग गिरे 10 अप्रैल से लेके 14 जनवरी तक, बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। सो अगर मैं बिटकॉइन देखता हूँ और मैं 10 अप्रैल पकड़ता हूं, तो मेरे भाई ये रहा अप्रैल। ओके, यहां से लेके जनवरी 14 तक अगर हम लोग देखते हैं यहां तक। ओके, तो ये वो टाइम था जब हमें एक्यूमुलेट करना था। ये तो चलो 5 अप्रैल है, मैं एक हफ्ता आगे आ जाता हूँ। यहाँ तुम देख सकते हो करेक्शंस आए, करेक्शंस आए, यहां से फियर जो है वो एक्चुअल स्टार्ट हुआ। बट अगर तुम इसे थोड़ा और रिफाइन करोगे तो तुम इसे यहां पकड़ सकते हो, मई से लेके जैन, क्योंकि मई में तुम देखोगे तो एग्जैक्ट तुम 10 के पास हो। सो अगर मैं इसे अप्रैल से मई लेके चलता हूँ, यहाँ आ गए, तो मेरे भाई 30,000 से हम लोगों ने जो है वो डीसीए करना स्टार्ट किया। हम लोगों ने 15,000 तक जो है वो डीसीए किया। तो 30 से 15,000 भी अगर तुम पकड़ के चलते हो तो भैया तुम्हारा ऑन एन एवरेज प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 22,000, 22,500 आ जाता है। एक्चुअली उससे कम ही आता है यार, 20,000 के अराउंड। तो वहां पे जब तुमने डीसीए करना शुरू किया और तुमने मान लो यहाँ बाय किया होता, तो तुम्हें वापस से प्रॉफिट्स लेने के मौके भी थे। ओके, बट तुमने नहीं लिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने मान लो अगर यहाँ से वापस डीसीए करना शुरू भी किया है, तो तुम्हारा एवरेज प्राइस ऑलमोस्ट अब तक आ गया है सॉर्टेड। अब यहाँ से प्राइस जो है वो वापस रैली स्टार्ट करेगा या फिर न्यूट्रल होगा, वहां हमें प्रॉफिट्स लेने। ओके, और दूसरी चीज अगर एक तुम देखो तो ये चार्ट तो तुम्हें क्रिस्टल क्लियर सब कुछ समझाता ही है। मतलब इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तुम 10 के पास हो, 10 के नीचे हो बाय करो, तुम 80-90 के ऊपर हो बेटा अपना पोर्टफोलियो खाली कर दो। ओके, और सॉरी बिल्कुल ऐसा वर्ड नहीं, लेकिन हाँ मेरे भाई मेरी बहन जो भी वीडियो देख रही है, तो बिल्कुल जैसे ही तुम इसके ऊपर जाते हो 80-90 के ऊपर, अपना पोर्टफोलियो खाली करो और टेंशन फ्री हो जाओ। ओके, अब ये तो हुआ सिंपल सा चार्ट ये देखने वाला, लेकिन अगर मैं इस प्राइस चार्ट की बात करूं, हम लोगों ने फ्यूचर गैप फिल नहीं किया है, हम लोगों ने अभी भी जो है वो बिटकॉइन ने एक डिप नहीं दिया है, ताकि बड़े व्हेल्स जो इन्वेस्टर्स जो बैठे हैं, जो कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, वो लोग घुसे। हम लोग सीधा जा रहे हैं हमारी रेजिस्टेंस के पास जो है वीकली SMA 200, जो 24,726 पे है। ओके, हम लोग क्लोज टू रेजिस्टेंस है, सो लॉन्ग बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता, एटलीस्ट बिटकॉइन पे। ओके, बाकी आज क्रिप्टो मार्केट ने अच्छा किया अगर हम लोग देखें। ओके, स्टॉक मार्केट ने अच्छा किया, ग्रीन में क्लोज किया, चौथा ग्रीन हफ्ता है उनका क्रिप्टो मार्केट, जैसे हम लोग बोल रहे हैं 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स पे। बिटकॉइन अच्छा है, बट हम लोग क्विकली चलते हैं अब हमारे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर। उससे पहले बिटकॉइन के लिए एक और अच्छी न्यूज, न्यूयॉर्क असेंबली जो है उन्होंने अब जो फाइन्स है, ये टैक्सेस है, वो क्रिप्टो पेमेंट्स में लेंगे, ऐसा बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो बहुत अच्छी बात है। ओके, अगेन क्रिप्टो अडॉप्शन हो रहा है, बिटकॉइन अडॉप्शन हो रहा है, जिसका मतलब क्या है कि भैया हमारे पोर्टफोलियोज ग्रीन से डार्क ग्रीन की तरफ जाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज, रिपल ने नया सीईओ को हायर किया है, नए प्रेसिडेंट को। अब उसका काम है और डेवलपमेंट्स करना, जो बहुत अच्छी बात है। और इसका एसईसी का केस में वही कह रहा हूँ, जिस दिन खत्म हुआ ये टोकन सुपर सॉलिड फटने वाला है। ओके, क्विकली सबके चार्ट्स भी देख लेते हैं। हम लोगों ने एक्सआरपी का चार्ट अभी रिसेंटली देखा भी था, मैं अभी भी तुम्हें वही कह रहा हूँ, जिस दिन उसने 42 सेंट्स ब्रेक किया, बिना सोचे समझे बाय करो, टारगेट जो है वो है 50 सेंट, बहुत इजीली।
और शायद 50 से ऊपर भी वो जाए, तो मेक श्योर इतने प्रॉफिट्स मिस मत करना, बट फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। नेक्स्ट बड़ी न्यूज टीजोस के लिए, जहां कैलिफोर्निया डीएमवी जो है वो डिजिटलाइज करने जा रही है कार टाइटल को, और ये सिस्टम जो है वो टीजोस के ऊपर बनेगा। सो अगेन बहुत मैसिव न्यूज टीजोस के लिए भी, और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है भी यार। इसमें भी तुम देख सकते हो हम लोग एकदम रेजिस्टेंस के पास बैठे हैं, बट मैं वही कहूंगा कि यार यहाँ पाए मत करना, थोड़ा और ऊपर जाने दो। जैसे ही 1.245 उसने ब्रेक किया, अलर्ट लगा के रखो, वहां उस टोकन को पकड़ो। पिछली बार हम लोगों ने $8 देखा था, इस बार हम लोग शायद 10 या 12 या 16 डॉलर्स भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बहुत अच्छा है। ओके, लास्ट जो है वो है आवे। हम लोगों ने कल भी आवे की बात की थी, जहां उन्होंने सीआरवी बाय करके अपना डेप्थ क्लियर किया था, और अभी जो है वो एक नया V3 वर्जन लॉन्च करने जा रहे हैं, वो भी इथेरियम के ऊपर। सो अगेन प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट कर रहा है, और मैं बार बार कहता हूँ जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स कर रहा है वो बहुत अच्छे खासे टारगेट्स भी छुएगा। ओके, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी अनफॉर्चुनेटली रेजिस्टेंस के पास है, सो यहाँ नहीं, हमें $64 के पास उसे बाय करना है, नहीं तो जाने दो भाई। 87 ब्रेक करेगा, 115 तक पकड़ो, वहां प्रॉफिट्स लो, वो ब्रेक करता है तो उसे पकड़ो $250 तक, सिंपल। और मैं तुम्हें साथ के साथ ये बताता रहूंगा, तो तुम मेक श्योर करो कि तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ये सब इंफॉर्मेशन मिस ना हो। ओके, और अगेन आज का वीडियो क्विक था, लेकिन आई होप तुम लोगों को पसंद आया है। आया है तो प्लीज लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहो। आपसे कल मुलाकात होगी दोस्तों, थैंक यू सो मच।